हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स वी आर गोइंग टू कवर द चैप्टर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। और इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लोड्स, देन वी डिस्कस टाइप्स ऑफ लोड्स, स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लोड। ओके, तो लोड क्या होता है? लोड इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड लोड। तो किसी भी बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है उसे हम लोड बोलते हैं। कि जैसे सपोज करो आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर आप कोई फोर्स लगा रहे हो, दिस फोर्स इज ट्राइंग टू कंप्रेस दिस बॉडी। ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर से इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, ठीक है, ये फोर्स इस बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो आप इस फोर्स को लोड बोल सकते हो। तो ऑन द अदर हैंड लाइक यू आर हैविंग अ चेयर, ठीक है, और उस पे इस चेयर के ऊपर कोई भी पर्सन अगर सिट करेगा, कोई भी बैठेगा, तो उस पर्सन का जो वेट है, दैट वेट इज एक्टिंग लाइक अ लोड ऑन दिस चेयर। ठीक है, तो इस पर्सन का जो वेट है वो वेट इस ऑब्जेक्ट के लिए, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, चेयर, तो चेयर के लिए वो वेट लोड का काम कर रहा है। तो लोड इज बेसिकली एनी एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पे कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है तो उसे हम लोड बोल देते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग द यूनिट ऑफ द लोड, क्योंकि देखो लोड एक फोर्स ही है, लोड को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट हमें पता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, तो इस वजह से लोड का यूनिट भी न्यूटन ही होता है। ठीक है, तो इसे हम एब्रीवेट करते हैं बाय कैपिटल एन। ठीक है, तो यूनिट ऑफ लोड इज न्यूटन ओनली। ओके, अच्छा ये है ऐसा ही सिस्टम में। ठीक है, अगर हम एक और सिस्टम की बात करें, लाइक वी आर हैविंग एमकेएस सिस्टम, ठीक है, तो हम लोड के एक और यूनिट लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं किलोग्राम फोर्स। लोड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन केजीएफ। ठीक है, एंड 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो लोड का एक तो यूनिट हमें पता है न्यूटन है, दूसरा लोड का यूनिट केजीएफ भी होता है, या सिंपली केजी भी लिख देते हैं। ठीक है, तो उसको केजीएफ को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं इन न्यूटन। 1 केजीएफ इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन। लाइक अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल आ जाए कि किसी बॉडी पे सपोज करो 20 केजीएफ लोड लग रहा है, तो आप इसे न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप इस 20 को 9.81 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो भी आएगा वो आपके पास लोड न्यूटन में आ जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लोड। तो लोड को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक तो होता है अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ एप्लीकेशन ऑन द बॉडी, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी। ठीक है, जो लोड है उसकी टाइप्स अगर हम समझें तो उसे सबसे पहले हम दो तरह से क्लासिफाई कर देते हैं, उसकी टाइप्स को हम दो तरह से करते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक वे होता है कि अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ एप्लीकेशन ऑन द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि लोड किसी बॉडी पे लग किस तरह से रहा है। कि जैसे सपोज करो ये कोई बॉडी है, लोड ऐसे है कि एक पॉइंट पे लग सकता है, ठीक है, या फिर जो लोड है वो एक पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड वे में भी लग सकता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो लोड है वो एक्ट कर सकता है ऑन द बॉडी। तो ये फर्स्ट ये वे होता है कि जिसके अकॉर्डिंग हम लोड को क्लासिफाई करते हैं। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी, कि लोड लगने के बाद बॉडी में किस तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। कि जैसे जब लोड लगेगा तो बॉडी की सपोज करो जैसे लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो एक तरह का लोड हो गया, या फिर जब लोड लग रहा है तो बॉडी की लेंथ डिक्रीज कर गई, ये दूसरी तरह का लोड हो गया। तो इसी चीज को अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑन द बॉडी, की लोड जो है वो किस तरह से लग रहा है ऑन द बॉडी। तो इस बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज द पॉइंट लोड, अनदर वन इज द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर हम पॉइंट लोड की बात करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ एप्लीकेशन ऑन द बॉडी, इसके बेसिस पे हम लोड को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, वन इज द पॉइंट लोड, अनदर वन इज द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, तो पॉइंट लोड जैसे कि इसका नेम इंडिकेट करता है, ये लोड सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक्ट करेगा। कि मान लो ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी के एक सिंगल पॉइंट के पे पूरे का पूरा लोड जो है वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाता है पॉइंट लोड। ऑन द अदर हैंड अगर हम डिस्ट्रीब्यूट लोड की बात करें, तो ये पूरे का पूरा लोड जो है वो कुछ लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा,
ठीक है, जैसे ये जो टोटल लोड है अभी इतनी लेंथ के लिए लग रहा है, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे अगर आप किसी बिल्डिंग को देखो, बिल्डिंग में जो पिलर होता है जिसे हम कॉलम बोलते हैं, कॉलम का वो अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो तो उसका पूरे का पूरा लोड एक एक सिंगल पॉइंट पे लग रहा होता है, तो लोड ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम इज अ पॉइंट लोड। ऑन द अदर हैंड अगर उसी बिल्डिंग की हम बात करें तो उसमें जो वॉल्स होती हैं या लेंटर होता है, तो वॉल का जो पूरा लोड होता है वो एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसे हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो पॉइंट लोड को हम डिफाइन करते हैं द पॉइंट लोड विच एक्ट्स एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लोड को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट लोड द लोड विच एक्ट्स एट अ पॉइंट, द लोड विच एक्ट्स एट अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ऑन द अदर हैंड द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज द लोड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सम मैनर ओवर द लेंथ, द लोड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सम मैनर ओवर अ लेंथ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, नेक्स्ट अभी हम क्लासिफिकेशन करते हैं लोड की अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी, कि जो लोड है वो बॉडी पे कौन सा किस तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे जो लोड को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं तो वो चीज अब हम देखते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके इसकी कुछ सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे सपोज करो कि ये आपके पास एक बॉडी है, लेट अस सपोज दिस इज अ बॉडी, ठीक है, और इस पे जो लोड लग रहा है वो कुछ इस तरह से लग रहा है। ठीक है, कि दोनों इसके फेसेस पे इस तरह से पुलिंग नेचर का लोड लग रहा है। अगर आप थोड़ा इमेजिन करके देखो तो ये लोड कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इस लोड के कारण क्या होगा, बॉडी की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड से इस बॉडी को पुल करने की कोशिश कर रहा है, ये जो लोड है इट इज ट्राइंग टू पुल द बॉडी ऑन थ्रू बोथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, तो इसके कारण बेसिकली होगा क्या, बॉडी की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी, कि बॉडी की जो लेंथ है वो इतनी हो जाएगी सपोज करो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड। ठीक है, तो इस तरह के लोड को हम क्या बोलते हैं, दिस लोड इज नोन एज टेंसाइल टाइप ऑफ द लोड, दिस इज नोन एज टेंसाइल लोड। ठीक है, तो टेंसाइल लोड को अभी हम डिफाइन कैसे करेंगे, द लोड विच टेंड्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी, द लोड विच टेंड्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी, वो लोड जो किसी बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करता है उसे हम टेंसाइल लोड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी हम सिचुएशन देखते हैं। सपोज करो अभी हमारे पास वैसी एक बॉडी है, ठीक है, लेकिन अभी जो लोड है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, दोनों साइड से बॉडी को अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये दोनों लोड्स पहले इसे इस तरह से पुल कर रहे थे, खींच रहे थे, नाउ जो लोड है अभी वो बॉडी को पुश करने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो इसके कारण अगर आप इमेजिन करो तो क्या होगा, बॉडी जो है वो थोड़ा कंप्रेस हो जाएगी, इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, बॉडी की लेंथ पहले इतनी थी, अभी लोड के कारण उसकी लेंथ डिक्रीज होके इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के लोड को जो कि बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है उसे हम बोलते हैं कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड। तो कंप्रेसिव लोड को भी हम डिफाइन कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से इसकी डेफिनेशन आएगी, द लोड विच टेंड्स टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, द लोड विच टेंड्स टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी
is called compressive load. Is called compressive load. ठीक है, तो हमने दो कैटेगरीज पढ़ ली, वन इज टेंसाइल लोड, अनदर इज कंप्रेसिव लोड. ओके, लेट्स मूव टू द अनदर कैटेगरी विच इज द शियर लोड. ठीक है, तो सबसे पहले इसकी सिचुएशन देखते हैं, शियर लोड कैसा होता है. सपोज करो आपके पास एक स्क्वायर टाइप की बॉडी है. ठीक है, अगर हम इस बॉडी को यहां से फिक्स कर दें, ठीक है, ये नीचे से हमने फिक्स कर दिया इसे, और इस पे इस पॉइंट पे एक लोड लगता है. सपोज करो इसकी इस कॉर्नर पे हम लोड लगाते हैं. ठीक है, तो अभी ये लोड क्या करेगा, देखो ये लोड ना तो बॉडी को इसकी लेंथ को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, ना ही इसे कंप्रेस कर सकता है. इस लोड के कारण क्या होगा, बॉडी की शेप जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी. ठीक है, ड्यू टू दिस लोड जो बॉडी की शेप है वो इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगी. हम इसे बोलते हैं कि बॉडी की जो शेप है वो थोड़ी डिस्टॉर्ट होगी. ठीक है, वो पहले बिल्कुल ऐसे वर्टिकल थी, लेकिन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड जो बॉडी है वो थोड़ा इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगी. ठीक है, कि ये वाला जो कॉर्नर है वो इतना मूव कर जाएगा. ठीक है, तो इस तरह के लोड को हम क्या बोलते हैं, शियर लोड. ठीक है, जो किसी भी बॉडी को उसकी शेप को डिस्टॉर्ट कर देता है, उसकी शेप को चेंज कर देता है. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं शियर लोड. तो दिस लोड इज नोन एज शियर लोड. शियर लोड, ओके. एंड हाउ वी डिफाइन द शियर लोड, अ शियरिंग लोड इज वन विच टेंड्स टू स्लाइड वन पार्ट ऑफ द बॉडी ओवर अनदर पार्ट अक्रॉस एनी सेक्शन. ठीक है, इज कॉल्ड शियर लोड. द लोड विच टेंड्स टू स्लाइड वन पार्ट ऑफ द बॉडी ओवर अदर पार्ट इज कॉल्ड शियर लोड. ओके, वो वाला लोड जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करता है. अगर आप अभी देखो, आप यहां पे बोलोगे कि मैंने तो बोला था कि इसकी शेप चेंज हुई है, लेकिन अभी डेफिनेशन में बोल रहे हैं कि ये स्लाइड हो रहा है. तो देखो, अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो जो भी बॉडी होती है वो एक लेयर्स, जो एटम्स होते हैं, एटम की लेयर्स से बनी होती है, जिसे हम क्रिस्टेलोग्राफिक प्लेन्स बोलते हैं. ठीक है, तो इन प्लेन्स के कारण ये जो बॉडी है वो बनी हुई होती है. लेकिन इस लोड के कारण क्या होगा, ये प्लेन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे. कि जैसे अगर हम दो प्लेन्स की बात करें, ठीक है, एक प्लेन यहां पे है, ठीक है, और एक प्लेन इसके ऊपर है. ठीक है, लेकिन इस लोड के कारण ये ऊपर वाला प्लेन इतना स्लाइड हो जाएगा, ठीक है, यहां से हटके यहां पे आ जाएगा. ठीक है, तो ये स्लाइडिंग हो गई प्लेन्स की आपस में. ठीक है, तो इसी के कारण हम शियर लोड को क्या बोलते हैं, कि ये ऐसा एक लोड है जो जो बॉडी के कुछ पार्ट को उसके दूसरे पार्ट के ऊपर स्लाइड कर देता है. ठीक है, तो इसे हम शियर लोड बोलते हैं. तो ये हमारे पास तीन बेसिक तरह के लोड्स हो गए, वन इज टेंसाइल, कंप्रेसिव, एंड थर्ड वन इज द शियर लोड. इसके आगे हमारे पास दो तरह के लोड्स और होते हैं, वन इज द ट्विस्टिंग और टॉर्शनल लोड, एंड अनदर वन इज द बेंडिंग लोड. ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्विस्टिंग लोड को देखते हैं. व्हाट इज द ट्विस्टिंग लोड. ठीक है, ओके, तो सपोज करो आपके पास एक शाफ्ट है. शाफ्ट, आप समझते होगे कि कोई भी चीज जो रोटेट करती है, एक रॉड जो रोटेट करती है, ठीक है, उसे हम शाफ्ट बोलते हैं. सपोज करो हमारे पास एक शाफ्ट है. ठीक है, शाफ्ट को अगर हम इसके एक साइड को इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करें, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करें, लेट अस सपोज, ठीक है, कि मैं इसे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा हूं इस फेस को, लेकिन दूसरे फेस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि शाफ्ट का ये जो सरफेस होता है इसमें कुछ ट्विस्ट आ जाता है. ठीक है, इसमें कुछ ट्विस्ट आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम टॉर्शन बोल देते हैं. ठीक है, तो वो लोड जो किसी शाफ्ट में या किसी भी रोटेटिंग मेंबर में एक ट्विस्ट प्रोड्यूस कर देता है, उसे हम ट्विस्टिंग लोड या टॉर्शनल लोड बोलते हैं. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग और टॉर्शनल, टॉर्शनल लोड.
ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द लोड विच टेंड्स टू रोटेट वन एंड ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू अदर अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज नोन एज टॉर्शनल लोड. द लोड विच टेंड्स टू रोटेट वन एंड ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू अदर अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्शनल और ट्विस्टिंग लोड. ठीक है, अगर डेफिनेशन को समझें तो वो लोड जो बॉडी के एक एंड को दूसरे एंड के रिस्पेक्ट में रोटेट करने की कोशिश करता है अबाउट दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ये कौन सा एक्सिस है? दिस एक्सिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो कि इसकी लेंथ के अलोंग है. तो उस लोड को हम क्या बोलते हैं? टॉर्शनल लोड या ट्विस्टिंग लोड. ओके, एंड द लास्ट वन इज द बेंडिंग लोड. लास्ट वन इज द बेंडिंग लोड. सपोज करो अगर आपके पास एक बीम है, ठीक है, या कोई भी इस तरह से आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, अगर आप इसके दोनों एंड्स पे इस तरह से मोमेंट लगाओ, ठीक है, तो यू कैन वेल इमेजिन इसकी जो शेप है वो इस तरह से बेंड हो जाएगी. ठीक है, मान लो आपके पास एक स्केल ही है, ठीक है, आप स्केल को दोनों साइड से इस तरह से बेंड करने की कोशिश करो, ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप एक बेंडिंग मोमेंट लगा देते हो, ठीक है, तो उसके कारण उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, वो इस तरह से बेंड हो जाता है. तो इस ये जो लोड है उसे हम बोलते हैं बेंडिंग लोड. ठीक है, दिस इज नोन एज बेंडिंग लोड. ठीक है, तो बेंडिंग लोड को हम डिफाइन करते हैं, लोड विच टेंड्स टू प्रोड्यूस कर्वेचर और बेंडिंग इन द बॉडी. द लोड विच टेंड्स टू प्रोड्यूस कर्वेचर और बेंडिंग इन द बॉडी इज कॉल्ड बेंडिंग लोड. सो हमने लोड को क्लासिफाई कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी एंड ऑन द बेसिस कि वो किस तरह से लग रहा है, कि ठीक है, द मैनर By which the load is acting on the body, ठीक है. तो अगर हम इफेक्ट प्रोड्यूस की बात करें तो हमारे पास लोड के पांच कैटेगरीज हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन द बॉडी हमारे पास लोड की पांच कैटेगरीज हैं. फर्स्ट वन इज द टेंसाइल लोड, सेकेंड वन वॉज द कंप्रेसिव, थर्ड इज शियर, फोर्थ वन इज टॉर्शनल एंड द लास्ट वन इज बेंडिंग. Okay, and according to the manner by which the load is acting, manner के according अगर हम बात करें तो हमारे पास दो categories आई थी, point load and distributed load. I think इतना आपके लिए clear है, ठीक है. उसके बाद अभी हम start करते हैं stress and its types.